الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, दोस्तों और साथियों, ये माह जमादिल अव्वल 1443 हिजरी है और वजारत शऊन इस्लामिया बिल ममलकत अरबिया सऊदिया ने खुतबा और वाइज़ीन को एक आम हुक्म सादिर किया के तबलीगी, जिन्हें अहबाब भी कहा जाता है, इनकी हकीकत लोगों के सामने आयां करें, बयान करें और इनके खुराफात, शिरकियात और गुलू से आगाह करें। तब से बर्र सगीर हिंदो पाक और दिगर ममालिक में एक शोर बपा है और हंगामा आराई जारी वसारी है कि आखिर इन तबलीगियों पर पाबंदी क्यों, इन तबलीगियों के अकायद और इनहराफात से लोगों को आगाही क्यों। हकीकत तो यह है कि बर्रे सगीर के तबलीगी लोग अपने करतूत, अपने कारनामे और अपने अकायद ही को देख लें, अपने सुलूक और अपने अखलाक ही को देख लें तो मालूम हो जाएगा कि सऊदी अरब का यह इकदाम बिल्कुल बजा और नहायत ही दुरुस्त है। क्योंकि बर्रे सगीर के बहुत से लोग तबलीगी जमात पर पहले से पाबंदी लगा चुके थे। दारुल उलूम देवबंद ने भी तबलीगी जमात पर 4 साल पहले पाबंदी लगा दी, अपने तलबा को आगाह किया कि कोई तबलीग में न जाए। जब से जुबैर और साद की इमारत का झगड़ा चला और चल ही रहा है, शूरा और साद कांदेलवी का अब तक झगड़ा चल ही रहा है, ये हो सकता है बाज लोगों के लिए अचंभे की बात हो, लेकिन जो लोग तबलीगी जमात से वाकिफ हैं या तबलीगी जमात में शामिल हैं उन्हें तो कम से कम ये बात मालूम है कि कैसे झगड़े हो रहे हैं। इमारत के लिए कुर्सी की लड़ाई चल रही है और ये दीगा मुश्ती रोज एक ही गांव में दो अमीर के चाहने वाले तबलीगी खुद हैं, तबलीगी खुद एक गिरोह साद का तरफदार है, दूसरा गिरोह है जो शूराइयत का, शूरा का तरफदार है, यह बात याद रखिए। और मुफ्ती तारिक ही की बात देख लीजिए, चंद सालों पहले तकरीबन ये 2019 की बात है, जब तारिक मसूद ने कहा था कि भाई अपनों के बीच तो ये फजाइल आमाल और फजाइल सदकात, तबलीगी निसाब के किस्से, कहानियां और हिकायात और देवमालाई वाकयात पढ़ा करो, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके सामने ये किस्से कहानियां कम से कम ना बयान किया करो। सऊदी अरब ने यही तो किया है। यहां सऊदी अरब में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से
चप्पा, चप्पा में दावत व तबलीग का काम जारी व सारी है। अल्लाह तबारक व ताला इस काम को जारी व सारी रखे। मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस काम में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। तबलीग का काम बड़े जोर व शोर से चालू है, जारी व सारी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से न जाने किन तने ही गुमगश्ता राहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ममलकत तौहीद के जरिए से हिदायत अता फरमाई है। चाहे वो एतनाक इस्लाम का मसला हो या एतनाक अकीदा सहीहा का मसला हो, बहरहाल ये काम जारी व सारी है। अब जब सऊदी अरब ने इन छुप छुप कर काम करने वालों को छुप छुप कर कहा करते थे कि हम मक्की दौर से गुजर रहे हैं, मक्की दौर से गुजर रहे हैं, जहां शिर्क नाम की कोई चीज नहीं है, वहां के बारे में तो यह ख्याल कि हम मक्की दौर से गुजर रहे हैं, जहां कब्रों पर कव्वालियां होती हैं और भर दे झोली या मोहम्मद के नारे लगते हैं, वहां इनको मक्की जिंदगी नजर नहीं आती है। सऊदी अरब ने जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से तौहीद का बोलबाला है, शिर्क को कुचल कर रखा गया है, रोक दिया गया है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है। यहां मक्की जिंदगी इन तबलचियों को लग रही है। छुप छुप कर भला बताइए कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो छुप छुप कर दसीसा कारी फैलाने वाले को पनाह दे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है नहीं। तो आज ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनको दुनिया का कुफ्र, दुनिया का सब कुछ, जितनी खराबियां हो सकती हैं तमाम की तमाम सिर्फ ममलकत तौहीद में नजर आ रही हैं, जहां बड़े बड़े शिर्क के अड्डे हैं, कुफ्र के अड्डे हैं, वो इनको नजर नहीं आते। इसलिए कि जिससे ऐनाद और दुश्मनी हो उसके आंख का तिनका भी पहाड़ नजर आता है, और अपनी आंख में शहतीर भी हो तो वो तिनके से भी ज्यादा कम है। इसलिए मुसलमानों वावेला मचाने के बजाय अपने अकायद को तो देखो। कहते हो कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, कम से कम इस कलमे पर तो अपने आप को तौलो कि वाकईतन तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत करते हो या तुम्हारी इबादतों में शिर्क की मिलावट भी है। तुम्हारा कलमा है, हमारा कलमा है मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम कुरान और सुन्नत की बात करते हो, कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हो, या अपने पुरोहित, अपने बुजुर्गों और अपने अकाबिर की बातों को फोकियत देते हो। सोचो जरा सा, वावेला मचाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जब संजीदगी से गौर किया जाता है, सोचा जाता है और नतीजे तक पहुंचने की ख्वाहिश होती है तो वाकईतन कामयाबी मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम तर खुराफात, शिर्कियात, बिदात और मुर्दा फरोशी से नजात अता फरमाए और कुरान और सुन्नत की दावत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाह यही आरजू और तमन्ना है। कलमे की लाज रखो, रब के कुरान से बयान करो, नबी के फरमान से बयान करो, तुम्हें कहीं भी कोई नहीं रोकेगा, इल्ला ये कि कोई कुरान का और नबी का दुश्मन हो। लेकिन तुम खुराफात और शिर्कियात को दीन समझो, मनामात को दीन समझो, और मनामात पर कदगन लगे और खुराफात पर पाबंदी लगे तो बिलबिलाने की जरूरत नहीं। इन खुराफात को ऐसे ही कुरत कर निकाल दो जैसे कपड़े पर गंदगी लग जाए तो उसका इजाला खुरच कर किया जाता है। ऐसे अपने अकायद की इस्लाह करो। मुर्दा फरोशी, कब्र परस्ती, कब्रों से फयूज और बरकात और मुर्दों की दुहाई, मुर्दों की निदा, ये सब खत्म करो मेरे भाइयों। संजीदगी से कोई भी बात लेने की कोशिश करो। बहरहाल ये चंद पहलू पेश कर दिया हूं, उम्मीद के मजीद आप लोग गौर करेंगे और इस सिलसिले में किसी नतीजे पर पहुंचने का जज्बा अपने अंदर और हिम्मत जुटाने की कोशिश करेंगे।